गाइस, वेलकम टू इंडियाज फाइनेस्ट एजुकेशनल चैनल ग्रो अप। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देयर फंक्शन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रिपरेशन करते हो रिट की, अगर आप प्रिपरेशन करते हो केवीएस डीटीपीएसबी या एनटीए यूजी सेनेट या गेट जैसे एग्जामिनेशन की, तो ये वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिशियल करने वाला है। दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और शेयर कर दें उन सारे बच्चों के लिए जो इस ऐसे एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हो तो ये वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आज से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं, हर दिन मैं ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड एक एक वीडियोस डालूंगा, और उसके बाद जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म होगा उसके बाद फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वैसे करके सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे जब तक हमारा एग्जामिनेशन आता है, ठीक है। तो अब बस यहां मेरे साथ बने रहिएगा, आपको यहां पे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ग्रो अप के नाम से है, फॉर रेगुलर अपडेट। आप फेसबुक पेज पे भी आ सकते हैं, यहां पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं, और किसी तरह की क्वेरीज है यू कैन व्हाट्सएप मी इन दिस नंबर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। तो पहला पॉइंट ये आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, आप अगर इन नॉर्मल टर्म के बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो सबसे पहले ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये हमें मालूम है। एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, और सॉफ्टवेयर है तो कैसा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, तो ये मेरा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, एक हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी क्लियर है दोस्तों। चलो ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को कन्फिगर करता है, सारे कंप्यूटर सिस्टम को कन्फिगर करना, सारे कंपोनेंट को कोऑर्डिनेट करना, ये काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन शॉर्ट कहने का मतलब यहां पे है कि कंप्यूटर कैसे चलेगा, इंटरनल कैसे काम करेगा, ये सारी जिम्मेदारी होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहां पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। चलिए, तो एक लाइन ये क्या है, तो ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब आते हैं इसके टर्मिनोलॉजी पे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम, या हम लोग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ऑन विच एप्लीकेशन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। इसी की मदद को लेके कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप हो गया, जैसे कि हमारा वर्ड हो गया, जैसे कि हमारा वीएलसी हो गया, दोस्तों कोई भी हमारा अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जैसे कि आपका वर्ड, वीएलसी, वॉट एवर योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो एग्जीक्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके बारे में क्या कहा गया दोस्तों, एंड एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। सबसे बड़ा अगर कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूं ना, तो यही है, यही लाइन अगर आप याद रख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाती है। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिस्टम प्रोग्राम है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है, और ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, दैट मींस एक मीडिएटर का काम करता है दोस्तों, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर है, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये सवाल आता है, सर ये इंटरफेस क्या है, तो थोड़ा इसके बारे में हम यहां पे आपको समझाते हैं। दोस्तों, ये हम हैं, मान लो कि मैं हूं यहां पर, ठीक है, मेरा नाम विवेक है, मैं यहां पर अपना व्हाट्सएप चला रहा, ठीक है, व्हाट्सएप रन करवा रहा, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप चल रहा है, ये वाला व्हाट्सएप जो है, नंबर थोड़ा इधर उधर हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये व्हाट्सएप हमारा चल रहा है। अब इस व्हाट्सएप को मेरा तभी यूज हो पाएगा जब मेरे पास एटलीस्ट 1 GB रैम होगा, या इंटरनल मेमोरी, आई थिंक 68 MB इंटरनल स्टोरेज चाहिए, और आपको सीपीयू भी चाहिए, ठीक है, कम से कम 1.2 GHz तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सारे इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, व्हाट्सएप को चलने के लिए ये इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। और ये हार्डवेयर कहाँ है दोस्तों, तो ये हार्डवेयर यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे हमारा सीपीयू है, यहाँ पे हमारा रैम है, यहाँ पे हमारा इंटरनल यानी कि डिस्क है, ठीक है, और अगर मोबाइल होगा तो रोम होगा, खैर रोम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।
तो ये सारा हार्डवेयर है, तो ये मेरा व्हाट्सएप है और ये मेरा हार्डवेयर है। तो ये व्हाट्सएप ये हार्डवेयर का कैसे यूटिलाइज करेगा, इसके लिए मीडिएटर का काम करता है कौन, तो ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे बड़ा की फैक्टर क्या याद रखना है कि ये हमारा एक इंटरफेस का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों, तो ये हमारा एक इंटरफेस का काम करता है। ये वाला पॉइंट है जो आपको समझना है, ठीक है, समझ में आ गया है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, देख सकते हैं यहां पे, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम या सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन विच एप्लीकेशन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड एंड एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। चलिए अब आते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मेरा फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो हम लोग बहुत सारा फंक्शंस पढ़े होंगे कि ये फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है, लेकिन बेसिकली देयर आर थ्री मेन फंक्शन। बेसिकली कितने होते हैं, तो तीन मेन फंक्शन होते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्या क्या है बेसिकली, वैसे तो इसको मैं एलिब्रेट भी करूंगा, फिलहाल समझते हैं इसका बेसिक काम क्या होता है। तो पहला काम होता है इसका मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यानी कि रैम, डिस्क ड्राइवर एंड प्रिंटर एंड ऑल डिवाइस। तो एक बेसिकली जो सबसे महत्वपूर्ण काम है इसका वो क्या है, कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्स हैं जैसे कि हार्ड सीपीयू को, रैम को, हार्ड डिस्क को, ये सबको मैनेज करने का। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई व्हाट्सएप को रन करने के लिए हमें 1 GB रैम चाहिए और 68 MB इंटरनल मेमोरी चाहिए। तो भाई इस रैम को जाके इतला कौन करेगा, यानी बड़ा उर्दू वर्ड हो गया लेकिन समझ जाइए, रैम को जाके इंफॉर्मेशन कौन देगा दोस्तों कि भाई ये व्हाट्सएप आया है इसको इतनी स्पेस चाहिए। तो वो काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब गया रैम के पास स्पेस है या नहीं भी है तो वो सारे एलोकेशन का काम, लो भाई अभी मेरे पास जगह है आके देख। तो आप अगर बहुत सारे एप्लीकेशन को एक साथ यूज कर देते हो, रैम की क्षमता उतनी नहीं है, तो आपका सिस्टम हैंग वाला स्टेज में चला जाता है, ठीक है। तो यानी फंक्शन करना बंद कर देता है। तो सिंपल सा बात है भाई, हमें 1 GB रैम चाहिए, हमारे पास रैम है या नहीं है ये दिमाग लगाता है कौन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला लाइन क्या है, मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्स, ठीक है, ये रिसोर्स को मैनेज करता है। दूसरा, स्टैब्लिश अ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस कहने का मतलब है कि दोस्तों जो भी चीजें यहां पर है, अगर मान लो कोई भी हमें व्हाट्सएप ही इस्तेमाल करना है तो उसे इस्तेमाल करने के लिए इंटरफेस जो प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। बेसिकली आप समझिएगा, दो तरह का इंटरफेस होता है, एक होता है CUI और एक होता है GUI। CUI कैरेक्टर या कमांड यूजर इंटरफेस और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों हमारा जो MS DOS है जिसमें हम लोग कुछ भी काम करना होता है कमांड वाइज करना पड़ता है, कोई फाइल को कॉपी करना है तब भी कमांड देना है, पेस्ट करना है तब भी कमांड देना है, कोई ड्राइवर कोई फोल्डर बनाना है तब भी हमको कमांड देना है। तो ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड बेस्ड काम करता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम विंडोज पे काम करते हैं, अगर हम एप्पल पे काम करते हैं, बड़ा सबके पास है भाई, और अगर हम किसी भी कलरफुल जो आपको दिखता है ना सारा GUI पे, हमें फोल्डर बनाना होता है राइट क्लिक करते हैं क्रिएट अ फोल्डर, काम हो जाता है, कोई कमांड लिखने की आवश्यकता नहीं। कॉपी पेस्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं कॉपी पेस्ट हो जाता है, किसी कमांड की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों GUI भी हमारा क्या है, तो ये हमारा एक तरह से इंटरफेस है। तो दो तरह का इंटरफेस समझ में आ गया। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है यूजर इंटरफेस क्रिएट करना। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरा है एग्जीक्यूट एंड प्रोवाइड सर्विस फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या काम करता है दोस्तों, ये हमें एग्जीक्यूट करता है और प्रोवाइड करवाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिंपल सा भी मैंने बताया कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मान लो कि MS Word ही है, तो इसे एग्जीक्यूट करना या हमें रिसोर्स प्रोवाइड करना ये काम कौन करेगा, तो ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। तो गाइज देयर आर मेन फंक्शन इज थ्राइस, फर्स्ट वन इज रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना, तीसरा हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना और किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, VLC हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, किसी भी तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने का जो काम है वो मेरा यही करता है, ठीक है। चलिए क्लियर है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है।
अब आते हैं इन डिटेल, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिटेल दोस्तों। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को डिटेल में पढ़ने के लिए, ठीक है, डिटेल में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आराम से देखेंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम है मेमोरी मैनेजमेंट का काम, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि भाई साहब अगर व्हाट्सएप हमारा 1 GB रैम लेगा तो 1 GB का यूटिलाइज कैसे होगा। मेरे पास तो भाई मान लो मेरे पास 4 GB का रैम है, बहुत बड़ा रैम है। इसको स्टोर करने के लिए हमें चाहिए 70 MB इंटरनल मेमोरी चाहिए। अब है कि मेरे पास 1 TB का हार्ड डिस्क है, तो ये इंटरनली कैसे स्टोर होगा, ये सारा ध्यान कौन रखेगा, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम रखेगा दोस्तों। तो इसी काम को करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, इसी काम को करने के लिए दोस्तों यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, आपने सुना होगा पेजिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट सुना होगा, ठीक है। पेजिंग वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे, पेजिंग हो गया, सेगमेंटेशन हो गया, तो ये सारा काम जो है वो हमारा करेगा कौन, वो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सिंपल सा बात है, ये क्या करता है कि भाई पूरे डेटा को एरे बना के काम करना, खैर वो चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पेजिंग और सेगमेंटेशन जब पढ़ेंगे। तो सिंपल सा याद रखिएगा, मेमोरी मैनेजमेंट का काम जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी एप्लीकेशन को कितने मेमोरी की आवश्यकता है, वो अवेलेबल करवाना ताकि वो फास्टली एक्सेस कर सके, उसे हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। रैम वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा पॉइंट ये आता है कि दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट ये आता है, इसके लिए कौन से फीचर्स, कौन से मैकेनिज्म की आवश्यकता यूज़ की जाती है, तो दोस्तों वह पेजिंग, सेगमेंटेशन वगैरह हमने सुन रखा है। अब आते हैं तीसरे, अगला है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का भी जो काम है दोस्तों वो हमारा कौन करता है, तो वो भी हमारा करता है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रोसेस मैनेजमेंट के तहत का काम। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या हो गया, तो दोस्तों आपने सुना होगा अगर मान लो व्हाट्सएप के अंदर P1 है, P2 है, बहुत सारे प्रोसेस ऐसे एलोकेट कर रहे हैं, तो हर प्रोसेस की प्रायोरिटी अलग होती है, हर प्रोसेस का फंक्शन अलग होता है, तो कौन सा फंक्शन को पहले एग्जीक्यूट करवाना है, किसकी बाद में करवाना है, किससे पहले करवाएंगे ताकि कंप्यूटर मेरा फास्ट एग्जीक्यूट कर सके, तो ये सारा काम है उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट करना। यानी कि जो भी एप्लीकेशन है उसके तहत जितने भी प्रोसेस हैं उसे एग्जीक्यूट करने का जो काम है वो हमारा काम करता है प्रोसेस मैनेजमेंट के तहत। और इसके तहत क्या आता है, आपने नाम सुना होगा FCFS का नाम सुना होगा, आपने SJF का नाम सुना होगा, आपने राउंड रॉबिन का नाम सुना, दिस आर द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये सब यहां पे आ जाता है दोस्तों, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया। तीसरा है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का भी काम यही होता है, समझ में आ रहा है ना, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस कौन सा प्रोसेस पहले होगा बाद में होगा, ये सारा काम करना। तीसरा काम मैंने बोला डिवाइस मैनेजमेंट का काम। दोस्तों डिवाइस मैनेजमेंट के तहत क्या होता है, दोस्तों डिवाइस मैनेजमेंट के तहत आपने नाम सुना होगा ना स्पूलिंग का, स्पूलर का नाम सुना है, नहीं सुना है तो बता देता हूं। स्पूलर क्या होता है, स्पूलर जैसे एसी का एग्जांपल है प्रिंट स्पूलर, ठीक है, प्रिंट स्पूलर। तो दोस्तों जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो सिक्वेंस में page 1 page 2 ऐसे करके प्रिंट होता है, तो ये प्रिंट जो सीक्वेंस में होता है इसे करने के लिए एक प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम लोग प्रिंट स्पूलर कहते हैं, और ये मेरा एक डिवाइस डिवाइस ड्राइवर की, या कह सकते हैं डिवाइस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि डिवाइस ड्राइवर की कैटेगरी में आता है दोस्तों। ये स्पूलर का काम या बफरिंग का काम, ठीक है, बफरिंग का काम, ठीक है। तो ये सारा काम जो है वो मेरा डिवाइस मैनेजमेंट के तहत आता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डिवाइस मैनेजमेंट में क्या हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट जितने भी डिवाइस इंडिकेटेड है जैसे प्रिंटर, तो उसको मैनेज करने काम करता है डिवाइस मैनेजमेंट। इसी के तहत एक प्रोग्राम आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पूलर, स्पूलर का एग्जांपल है प्रिंट स्पूलर। प्रिंट स्पूलर का काम क्या है, किसी भी पेज को सिक्वेंस में प्रिंट करना, तो ये भी मैनेज करेगा कौन, तो वो भी हमारा डिवाइस मैनेज करेगा। एक चीज और यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ा सा छूट गया, मैं बताता हूँ, हम लोग डिस्क पार्टीशन भी जो करते हैं ना दोस्तों, डिस्क पार्टीशन जो करते हैं वो भी मेमोरी मैनेजमेंट की ही कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट में दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा फाइल मैनेजमेंट। दोस्तों आपने नाम सुना होगा, उतना छोड़ो, आप इंटरनली ही चले जाओ, आपने विंडो एक्सप्लोरर देखा है ना,
विंडो एक्सप्लोरर, जितना भी विंडो हम लोग ओपन कर लेते हैं, जितना भी विंडोज हम लोग ओपन कर लेते हैं वो एक सीक्वेंस में रहता है, एक ऑर्डर में रहता है, ठीक है, तभी तो हम आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। सी ड्राइव के किस फोल्डर में कौन सा फाइल है ये हमें नहीं मालूम होता है। तो ये सारा काम जो है ये काम करता है विंडो एक्सप्लोरर, और ये कहीं ना कहीं ये फाइल मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कोई भी फाइल वहां पे डिस्क पे स्टोर है, कोई भी डेटा फाइल स्टोर है, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो वो उसको ट्रैक प्रोवाइड करने का काम है, वो मेरा फाइल मैनेजमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये भी काम किसका है, ये भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारा पॉइंट लिख लेना, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये मैंने पूरा बेसिक से बता दिया है। अगला है प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर, ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंटरफेस का काम करता है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और अदर सॉफ्टवेयर के बीच में, तो ये तो लाइन समझ भी आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट परफॉर्म एरर डिटेक्शन, दोस्तों ये मेरा ना एरर डिटेक्शन का भी काम करता है। एरर डिटेक्शन समझते हो, एरर डिटेक्शन का नाम समझते हो, अगर मान लो कि आप देखते हो कि एक बार बार हैंग करता है तो एक मैसेज आता है सिस्टम एरर, कुछ भी अगर फाइल करप्ट फाइल हो गया, हाँ इसको ऐसे समझो, अगर कोई भी फाइल करप्ट हो जाता है, तो उसमें एरर आने लगता है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जीक्यूट। तो ये सारे मैसेज को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, ये भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि ये क्या है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई, क्लियर है यहाँ पे। आप सारे बच्चे कमेंट में जरूर लिखना अपने सारी चीजों का, अगर किसी तरह देखो अभी हम लोग लाइव नहीं ले पा रहे हैं और रिफ्रीक्वेंट क्लास भी नहीं आ रहा, मैं पूरा ट्राई करूंगा इस वीक में पूरा वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। मैं भी समझ रहा हूं कि अगर रेगुलर फ्रीक्वेंट वीडियोज नहीं आएगा तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, लेकिन आप लगातार इस चैनल पर बने रहिएगा, आपको यहाँ पे हर आपको जैसे कि मालूम है रीट का पेपर होने वाला है, उसके बाद हमारा DSSB और KVS का पेपर होने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया, तो इट परफॉर्म एरर डिटेक्शन का भी काम करता है। अगला इट प्रोवाइड जॉब अकाउंटिंग का भी काम करता है, ये जॉब अकाउंटिंग का भी काम करता है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब समस्या ये आता होगा, सर ये जॉब अकाउंटिंग क्या होता है, दिमाग में है किसी को जॉब अकाउंटिंग का मतलब? जॉब अकाउंटिंग कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, जितना भी काम यहाँ पे हो रहा है उसको एक सिंपल सा आप इसको ऐसे समझिए कि कौन सा काम करने में कितना टाइम लग रहा है और कैसे वो इफिशेंसी दे रहा है, उसे हम लोग जॉब अकाउंटिंग की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। एंड एंड ऑफ द टर्म ये हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, थ्रेट से भी हमें बचाने का काम करता है। विंडोज डिफेंडर हम लोग जो लगाते हैं कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है, विंडोज डिफेंडर आपने नाम सुना होगा, तो दोस्तों ये हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है थ्रेट से, जैसे कि विंडोज डिफेंडर इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल हो गया किसके बारे में, तो ये सारे फंक्शंस हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई, मैंने सारा फंक्शन को एलिब्रेट किया कि मेमोरी मैनेजमेंट में क्या आता है, प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या आता है, डिवाइस मैनेजमेंट में क्या आता है, फाइल मैनेजमेंट में क्या आता है, ये तो चलो नॉर्मल टर्म है, एरर डिटेक्शन में क्या आता है, जॉब अकाउंटिंग में क्या आता है, सिक्योरिटी में क्या होता है। तो दिस इज द डिटेल फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। पुनः मैं रिपीट कर देता हूं, आपको मैंने पहले भी बताया था, तो एक थोड़ा सा मैं रिवीजन यहां पे आपको करवा दूं कि क्या क्या यहां पे होता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके फंक्शन के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो मैंने बता दिया इंटरफेस है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। क्या काम करता है, तो बेसिकली तीन काम ही मैंने आपको बता दिया, रिसोर्स मैनेजमेंट करना, इंटरफेस का काम करना, साथ ही साथ हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने का काम ये करता है, बेसिकली यही तीन है। अगर हम डिटेल में जाते हैं तो डिटेल काम ये है, मेमोरी मैनेजमेंट जिसके तहत पेजिंग, सेगमेंटेशन, डिस्पार्टीशन वगैरह आ जाता है। प्रोसेस मैनेजमेंट जो किसी प्रोसेस को शेड्यूलिंग करने का काम करता है, जैसे FCFSJ SJF एंड आउट ऑफ इन वगैरह आता है यहाँ पे। अगला है डिवाइस मैनेजमेंट, जैसे स्पूलर का काम करना, बफरिंग का काम करना, ये डिवाइस मैनेजमेंट के तहत आता है। फाइल मैनेजमेंट, विंडो एक्सप्लोरर जो है किसी फाइल को ट्रैक प्रोवाइड करना, वो फाइल मैनेजमेंट के तहत आता है। कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट बहुत आसान है, वो समझने में दिक्कत नहीं होगा। जॉब अकाउंटिंग, जैसे मैंने बताया किसी भी काम को करने में कितना समय लगता है, कितने समय में एग्जीक्यूट होगा, इसे हम लोग जॉब अकाउंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। सिक्योरिटी, विंडोज डिफेंडर वाला पार्ट जो है वो हमारा इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया।
मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और इस वीडियो से आपके एक दो क्वेश्चंस वहां पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। कैसा लगा वीडियो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करो, ताकि आपके जब भी अभी एस्टेट का पेपर हुआ बेटा, अभी एस्टेट का पेपर हुआ, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, बहुत पूरे बिहार के बच्चे ने मतलब अच्छा प्रोत्साहन दिया। मैं उनका इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूँगा कुछ दिनों में। तो बस आप जैसे एस्टेट का अच्छा हुआ, मैं चाहूँगा रीट का भी अच्छा हो, मैं चाहूँगा DSSB का भी अच्छा हो और मैं चाहूँगा KVS का भी अच्छा रिजल्ट हो। तो अगर ये आपका लक्ष्य है कि PGT TGT मुझे क्वालिफाई करना है दोस्तों, लगातार मेरे साथ बने रहिए, आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंट कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। क्लास के लिए फेसबुक पेज पे आ सकते हैं और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही देना है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और आपको किसी तरह की क्वेरीज मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक ले गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों। गुड बाय।